नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रैचेज क्लासेस में। थैंक यू। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? गुड, वंडरफुल। तो आज आपने मुझे मौका दिया कि आपका इंटरव्यू ले सके, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आपकी बहुत ही एक कैची ये टी शर्ट है, इस पे जो लिखा हुआ है वो बहुत ध्यान मुझे उस तरफ ही जा रहा, तो वहीं से शुरू करते हैं। क्योर एट द रेट 72 आवर्स, और उसमें भी 7 का जो रेड कलर है, इससे एक मुझे लग रहा है कुछ नई अनाउंसमेंट आप करने वाले हैं, तो प्लीज इसके बारे में राज खोलें। हाँ, ये एक नया अनाउंसमेंट है आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। एंड दैट इज 72 आवर्स, मतलब 3 दिन में आप छुटकारा पा सकते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स। और उसमें 7 का सिग्निफिकेंस है, 7 चेक पॉइंट्स। 7 चेक पॉइंट्स हैं, उन सारे चेक पॉइंट्स को आपको यही करके अटेंड करने पड़ेंगे, जिसके लिए 3 दिन लगेंगे। 3 डायमेंशन हमारे बॉडी के, वो 3 डायमेंशन आप समझ लीजिए। और ये 3 डायमेंशन को समझाने के लिए ये मैं इसको कहते हैं सिरकेडियन ट्रायंगल। सिरकेडियन कोई नया वर्ड नहीं है, हालांकि आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सिरकेडियन रिदम, जिसको 2017 में नोबेल प्राइज मिला था, तो यानी कि ये अपने आप में बहुत एस्टेब्लिश साइंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, तभी नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन उसके बारे में ना तो पता है, ना ही उसका प्रमोशन किया गया है, ना उसका किसी इंसान को फायदा मिला है। तो इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे 3 डायमेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिकल बीइंग। इलेक्ट्रिकल बीइंग मतलब जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, अचानक मर जाता है। अभी कल भी खबर आई थी कि कोई एक्टर है, वो अचानक जिम करते करते मर गया, राइट? तो इस तरह के डांस करते करते मर गया, तो ये क्या हो रहा है? दैट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर, राइट? विदाउट नो अपेरेंट रीजन सडनली द पर्सन डाइज, इलेक्ट्रिकल फेलियर। हार्ट आपका बीट होता है, जो स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर ढूंढते हैं, वो क्या ढूंढते हैं? कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ईसीजी होता है, ईईजी होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर फेल हो जाए, तो अगला हार्ट बीट नहीं होगा एंड यू विल डाई इंस्टेंटली, राइट? अगर आपका ऑक्सीजन ना मिले, फिर भी इंसान करीब 4 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है, जितना ऑक्सीजन बॉडी में ऑलरेडी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फेलियर होने से उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है, राइट? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फेलियर। इलेक्ट्रिकल बैलेंस, इलेक्ट्रिकल बैलेंस को वापस लाइए ताकि इस तरह की अनसर्टेनिटी ना हो। बैलेंस को वापस लाने के लिए देर आर 2 चेक पॉइंट्स। वन आप देख रहे हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस वक्त मेरे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरे पास आईपैड है और मैं इसको ऑन कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और ये मेरे पास ईएमएफ टेस्टर है। ये ईएमएफ टेस्टर को आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ कि इस वक्त इसकी ईएमएफ कितनी है। तो अगर ये चार्ज पे रहता है तो धीरे 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 अब ये आप देख रहे हैं कि इसका ये जो सिग्नल दिखा रहा है, दैट इज ए डेंजर साइन। यानी कि अभी ऑफ हो गया, दोबारा ऑन होगा तो दोबारा डेंजर साइन इसका ऑन हो जाएगा। तो ये जो जब आप आईपैड पे काम करते हैं या मोबाइल फोन पे बात करते हैं, उस वक्त जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके अराउंड होती है, दैट इज बियॉन्ड द डेंजर साइन। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं, खासतौर पे ट्यूमर उस साइड हो रहे हैं जिस साइड वो मोबाइल पकड़ते हैं, राइट? तो जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि मोबाइल की वजह से ही ये ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, राइट? तो जो कैंसर होते हैं, तो दैट इज अ इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर कॉजिंग कैंसर, इलेक्ट्रिकल फेलियर कॉजिंग ब्रेन ट्यूमर, इट इज कॉजिंग हेडेक, इट इज कॉजिंग स्लीपलेसनेस। अब अगर मैं अपने आईपैड को ऐसे चार्ज पे लगा के, अभी चार्ज पे है, ये तार है यहाँ अंदर, वो बैटरी है, चार्ज चार्ज हो रहा है। अगर ऐसे चार्ज पे मैं लगा के छोड़ दूँ ओवरनाइट की, चार्ज चार्ज हो रहा है, लेकिन तब तक आप खुद भी डिस्चार्ज हो रहे हैं। वो तो चार्ज हो रहा है, बट यू आर गेटिंग डिस्चार्ज। तो पहला चेक पॉइंट है कि आपको ये देखना है कि आपके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर है, तो उसे स्विच ऑफ कर दें, कम से कम सोते वक्त तो स्विच ऑफ कर दें, राइट? सो दूसरा चेक पॉइंट है बॉडी वोल्टेज। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बॉडी में होगी, तो हमारी बॉडी की वोल्टेज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा जब इतना बढ़ जाएगा कि मेरे बॉडी में इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाएगा, दैट विल कॉज डेथ, जैसे बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट, राइट? तो बॉडी की वोल्टेज को हमें जीरो पे रखना है। इसके लिए पहले भी मैंने कुछ समय से बताता आया हूँ कि जीरो पे बॉडी की वोल्टेज तब होती है जब आप मिट्टी को टच करते हैं, जमीन को टच करते हैं, घास को टच करते हैं, मतलब मिट्टी से कनेक्टेड। जो 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 कैरियो में मिट्टी, वो नहीं, सीधे ग्राउंड से जब कनेक्शन होता है, ग्राउंड की जो वोल्टेज है दैट इज जीरो, आपकी वोल्टेज भी जीरो हो जाती है।
और जब ग्राउंड में नहीं है, जैसे मैं बिल्डिंग में बैठा हूँ, तो आप एक अपने लिए बेडशीट बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, उस तार को नीचे तक ले जा सकते हैं और ग्राउंड में गाड़ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जीरो वोल्ट थेरेपी, राइट। जीरो वोल्ट थेरेपी से हम अपने वोल्टेज को हमेशा जीरो रख सकते हैं, एटलीस्ट 6-7 घंटे तो दिन में जीरो रख ही सकते हैं, स्पेशली जब आप सो रहे हैं। तो ऐसे क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम अपने इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया तो फॉर नो रीजन लगेगा कि ये इंसान जिम कर रहा था, अचानक कैसे मर गया, ये इंसान तो डांस कर रहा था, खुश था, अचानक कैसे मर गया। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर, और इलेक्ट्रिकल फेलियर को ठीक करने की कोई दवा नहीं होती, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से ही ठीक होती है। आपने देखा भी होगा, जब फिल्मों में देखा होगा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कोई इंसान मर जाता है, तो डॉक्टर कोई इस्त्री की तरह दो इंस्ट्रूमेंट लेता है और वो करंट लगाता है पेशेंट को, वो दोबारा जग जाता है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, राइट। लेकिन वो एक्सट्रीम, इंसान को दोबारा जिंदा करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से वापस लाने के लिए। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि अपने बैलेंस को मेंटेन रखें ताकि वो नौबत आए ही ना। सो दैट इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ इट। सेकेंड डायमेंशन है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल बैलेंस, मैकेनिकल बैलेंस। जिस तरह से ट्यूमर होता है, इट इज अ मैकेनिकल फेलियर, स्वेलिंग है, मैकेनिकल फेलियर। किडनी पेशेंट के, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आप देखेंगे किडनी पेशेंट ऐसे आते हैं डायलिसिस वाले, जिनके पैर हाथ हाथी की तरह सूज जाते हैं, दैट इज अ मैकेनिकल फेलियर। ब्लॉकेज होता है जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक इज अ मैकेनिकल फेलियर। कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल फेलियर, हार्ट अटैक इज अ मैकेनिकल फेलियर। राइट, को स्टोन है बॉडी में, स्टोन फिजिकल वस्तु है, दैट इज अ मैकेनिकल फेलियर, फिजिकल फेलियर। तो फिजिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर को ठीक करने के लिए चेक पॉइंट नंबर 3, दैट इज हीट। चेक पॉइंट नंबर 4, ग्रेविटी। हीट और ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो पूरे हर संसार में हर जगह है और लगभग मुफ्त है। ग्रेविटी तो पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन ये दो चीजों को अगर आप यूज करेंगे तो आप अपने आप को बड़ी तेजी से ठीक कर पाएंगे। कितनी तेजी से, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये पढ़िएगा, विल्मा रुडोल्फ, दुनिया की इकलौती ऐसी महिला जिसने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते और दुनिया में 3 इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए दौड़ने का, जबकि 12 साल की उम्र तक तो इनको एक पैर इनका पैरालिसिस था, पोलियो बोलते थे, राइट। और 12 साल के बाद इन्होंने क्या किया, हीट एंड ग्रेविटी, राइट, ये दोनों यूज किया, जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, हिम्स हॉस्पिटल में, जिसके माध्यम से हम किडनी के पेशेंट को ठीक करते हैं, दैट इज हॉट वाटर इमर्शन। तो उससे इन्होंने ना केवल अपने आप को ठीक किया, बल्कि उस ठीक होने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाया और ओलंपिक में 3 बार गई। तो आप समझ सकते हैं कि मैकेनिकल बैलेंस या फिजिकल बैलेंस कितना पावरफुल हो सकता है बाय यूजिंग चेक पॉइंट नंबर 3, हीट, एंड चेक पॉइंट नंबर 4, ग्रेविटी, राइट। ये हमने, मैं आपको सिखाता आया हूँ 360 डिग्री पॉस्चुरल मेडिसिन, जो किताब है उसमें भी मैंने बताया है, इसकी ट्रेनिंग भी आप मैंने की है, ईपीएम, इमरजेंसी इन पेन मैनेजमेंट, जो श्रीधर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से। सो दैट इज अ फिजिकल बैलेंस। तीसरा जो है, दैट इज केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को ठीक करना, जो आपने डीआईपी डाइट से आप करते आए हैं। आप में से हजारों लोग, लाखों लोग हैं जिन्होंने डीआईपी डाइट लिया और आपने बताया कि आपकी डायबिटीज ठीक हो गई, थायराइड ठीक हो गया, मोटापा ठीक हो गया, ये कैसे हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड केमिकल बैलेंस, राइट। केमिकल इम्बैलेंस होने से क्या हो सकता है, कोमा, जैसे जो लोग इंसुलिन पे होते हैं और उससे ब्लड शुगर एकदम नीचे गिर जाता है, जो दवाइयों पे होते हैं ब्लड शुगर एकदम नीचे गिर जाता है तो वो कोमा में चले जाते हैं। तो कोमा में चले गए, इस वक्त कारण क्या है, दैट इज केमिकल फेलियर। केमिकल फेलियर कॉजिंग कोमा, इलेक्ट्रिकल फेलियर कॉजिंग कार्डिक अरेस्ट, एंड मैकेनिकल या फिजिकल फेलियर कॉजिंग हार्ट अटैक। तीनों में ही डेथ होती है, लेकिन आप देख रहे हैं तीनों, तीन अलग अलग डायमेंशन है, तीन टोटली अलग चीजें हैं। तो केमिकल फेलियर को ठीक करने के लिए लिविंग फूड, जो डीआईपी डाइट जो आप ले ही रहे थे, लिविंग वाटर, 3 पॉट सिस्टम मैंने आपको बताया, जिसकी मदद से जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जिनको हर हफ्ते खून चढ़ाना पड़ता है, बिकॉज उनकी बॉडी खून नहीं बना पाती है, बनाती है तो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती है। ये 3 पॉट सिस्टम जो मैंने सिखाया, इस किताब में पढ़ के आप सीख भी सकते हैं। तो उस मेथड से यूज करने के बाद उन बच्चों को दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। कितनी बड़ी बात है कि केमिकल बैलेंस को वापस लाते ही उनके बॉडी ब्लड बनाने लगी और जो ट्रांसफ्यूजन पे निर्भरता थी सालों साल तक, वो एकदम खत्म हो गई। तो ये है फिफ्थ चेक पॉइंट, लिविंग फूड, एंड सिक्स्थ चेक पॉइंट इज लिविंग वाटर, एंड द फाइनल चेक पॉइंट, दैट इज इन तीनों को सिंक्रोनाइज करना, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना। सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ऑर्केस्ट्रा है आपके पास, एक बांसुरी वाला है, एक तबला वाला है, एक गिटार वाला है, तीनों अच्छे बजाते हैं, तीनों अच्छा बजा भी रहे हैं,
लेकिन तीनों में अगर हार्मनी नहीं होगी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तो वो कितना भी अच्छा बजाएं वो एक्चुअली नॉइज ही लगेगा। सिमिलरली ये तीनों आपने इंडिपेंडेंटली ठीक कर लिया, लेकिन तीनों में तालमेल अगर ना हो, हार्मनी ना हो, यानी कि उनकी रिदम आपस में ना बनी हो, सर्केडियन रिदम उसका नहीं अगर सेट हो, तो आप परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे, पेन में ही रहेंगे। सो दैट इज द लास्ट एंड फाइनल चेक पॉइंट, द सेवन चेक पॉइंट। तो ये सेवन चेक पॉइंट अगर आप ठीक कर लेते हैं, जिसको ठीक करने में लगभग मोर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट विल टेक अबाउट 3 days 72 hours, तो आपकी बॉडी खुद ही दवाई बनाने लग जाएगी, और आपकी इन दवाइयों से, और दवाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बीमारी और उनके सिम्टम से पीछा छूट सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट 72 hours क्योर एट द रेट ऑफ 72 hours विद द हेल्प ऑफ सर्केडियन ट्राइंगल। तो ये एक नया नाम आपके जुबान पे आना चाहिए, सर्केडियन ट्राइंगल। एंड सर्केडियन इज समथिंग जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इसको सर्च करें, इसको थोड़ा पढ़ें, समझें, क्योंकि अभी जो भी आपकी जिंदगी है, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी बीमारी है, उसमें सेंट्रल कोई कॉज है, दैट इज कि आपका सर्केडियन रिदम बिगड़ गया है। उसको ठीक कैसे करना है, इस रिदम को वापस लाना है। तो ये रिदम कोई दवाई से सिर्फ, या कोई केमिकल से नहीं, सिर्फ फूड से नहीं, ये तभी रिदम वापस आएगी जब तीनों एंगल, वी आर इलेक्ट्रिकल बींग, वी आर ए फिजिकल बींग, एंड वी आर ऑल्सो केमिकल बॉडी, जब तीनों चीज एक साथ आएंगे, सिंक्रनी में आएंगे, तभी जब वो बजेगा, तभी वो हार्मनी होगी, तभी उसे म्यूजिक बोलेंगे, फिलहाल तो वो नॉइज है। सो दैट इज अबाउट क्योर एट द रेट ऑफ 72। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने समझा दिया है। तो किसी को भी अगर इन तीनों एंगल में से कोई भी एंगल समझ में नहीं आया है, तो हमारे चैनल पे तीनों एंगल्स के ऊपर अलग अलग बहुत ही डिटेल में सर की वीडियोस डली हुई हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, एक जो कंसर्न रहता है पेशेंट्स का हमेशा से ही, कि अगर कोई आपकी डायरेक्ट सुपरविजन में इसे करना चाहता है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया इसको सिंक्रोनाइज करना होगा तीनों एंगल्स को, तो ऐसा कोई आप अरेंजमेंट अभी कर सकते हैं, या कोई ऑनलाइन या फिजिकल ऐसा कोई प्रोग्राम होने वाला है? देखिए, ऐसा प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी चलता है, वियतनाम में पिछले कई सालों से चल रहा है। अभी इसी महीने, जब आपने पिछले वीडियो में वहीं से लाइव किया था, आपने उन पेशेंट्स को देखा भी, तो 120 पार्टिसिपेंट थे वियतनाम और आसपास के देशों से, तो वहाँ पे, और फरवरी में मलेशिया में, कुआलालंपुर में है, तो बाहर के देशों में तो चलता रहता है। और भारत में अभी हम 2 दिसंबर से पहला बैच शुरू करेंगे, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फिजिकली लोग आएंगे। ये गुड़गांव में हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल है, सेक्टर 42 में, यहाँ पे 3 दिन के लिए वो आके हम रहेंगे। और हमारे डॉक्टर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, MBBS MD डॉक्टर्स हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, पूरी डॉक्टर की टीम है, वो टीम के सुपरविजन में रहेंगे, मेरे सुपरविजन में रहेंगे, मैं, मेरे ट्रेंड ही वो डॉक्टर्स हैं। और रहा सवाल कि वहाँ पे मेरा प्रेजेंस वहाँ पे 1 दिन, 3 में से 1 दिन पहले बैच के लिए हो सकता है, दैट यू कैन एक्सपेक्ट, राइट। सो जिन लोगों को तो सिर्फ सीखना है, वो तो आपके चैनल में इतने वीडियोज में पढ़ के देख के सीख सकते हैं, या फिर अभी vishwaroop.com/ZBT, इसमें जाके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो हमारा 0 वोल्ट थेरेपी का नया ट्रेनिंग शुरू है, दैट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, उनके अंडर है। तो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन, अभी शुरू होने वाला है इसी महीने के आखिर में, और वो उसका मकसद है कि आप सीख रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए। लेकिन जो तो खुद ठीक होना चाहते हैं, अपनी दवाई से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, जो सालों साल से दवाइयों पे हैं, कैसे टेपर करें, क्या करें, तो उनको, उनके लिए बेहतर है कि वो हमारे हॉस्पिटल में आए, जो 2nd, 3rd, and 4th December को 3 दिन का जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है गुड़गांव में, उसमें वो पार्टिसिपेट करें, उसमें आके रहें। और इसमें अच्छी बात यह है कि जब वो घर जाएंगे तो साथ में एक किट, सरप्राइज किट मिलेगा, एक ऐसा छोटा सा किट जिस किट में को घर जाके वैसे ही यूज कर पाएंगे, जो जो भी हमने वहाँ पे ट्रेनिंग दी, जो भी आपने सीखा, यानी कि घर जाके भी आपको सेम चीज करना है। ऐसे नहीं कि 3 दिन हो गया तो हमेशा के लिए ठीक हो गए, जिस तरह से रोज नहाना पड़ता है तभी आप रोज साफ दिखते हैं, राइट, एक बार किसी ने नहाना सिखा दिया तो घर जाके आप रोज ही नहाना है, यूं मानिए तो। लेकिन उसके लिए साबुन कहाँ से मिलेगा, उसके लिए ब्रश कहाँ से मिलेगा, तो एक किट हमने स्पेशल किट, पेशेंट्स किट तैयार किया है, ताकि आप उसे घर ले जाएं। और वो किट वो इसलिए तैयार करना पड़ा बिकॉज वो मार्केट में नहीं मिलता, दुकानों में नहीं मिलता, इसीलिए जैसे फल सब्जियां दुकानों में मिलती है तो वो हमें तैयार करके आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फिजिकल किट जो दुकानों में नहीं मिलता, वो हमारे हॉस्पिटल्स में हम पेशेंट के लिए यूज करते हैं। तो दिमाग में आया क्यों ना हम पेशेंट्स को दे ही दें, ताकि उन्हें कभी भी हम पे निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़े, हमारे हॉस्पिटल पे निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़े, खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़े। वो लिया और कन्वीनियंटली
और उसको जिंदगी भर यूज किया, ना केवल इस वक्त जो बीमारी उसको ठीक करने के लिए, भविष्य में बीमारी हुई ना उसको प्रिवेंट करने के लिए, और अगर कभी हो भी गई तो किस तरह से उससे बाहर निकलना है। तो वो जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन में वो ट्रेनिंग भी हम देंगे। पर्पस ये कि आप अपना डॉक्टर बन जाए पूरी तरह से, उसके लिए सर्कैडियन जो ट्रायंगल है उसको पूरी तरह समझ लें, लेके इस तरह से कि आप कंफर्टेबली अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। अब देखिए, जैसे अभी आपने कल ही अखबार में या टीवी में आपने देखा कि एक एक्टर जो हेल्दी था अचानक वो मर गया, तो मान लो उस वक्त आप सामने होते और आपके सामने वो डेथ हुआ होता या आपके सामने वो कोलैप्स हुआ होता, तो आप क्या करते? आप वही करते जो बाकी लोग कर रहे हैं, एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। लेकिन अगर आपको बस छोटे मोटे टेक्निक्स होते, ये कैसे हमें बैलेंस करना है, कैसे कार्डियक अरेस्ट को रिवर्स करना है, जो कि आराम से कोई सीख सकता है, तो हो सकता आप किसी के काम आते या आए। तो फिर यही सारी चीजें आप सीख सकते हैं वो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में, वो कई बार ऑनलाइन में नहीं हो पाता, तो फिजिकली आएंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यानी कि अपने आप को क्योर करना, अपने आप फ्यूचर डिजीज को प्रिवेंट करना, और किसी और को अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट सिस्टम होना। मतलब ये याद रखिए, जब भी कभी कोई बीमार पड़ता है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर के बीच में हॉस्पिटल में होता है, वो सड़क पे होता है, घर में होता है, रेस्टोरेंट में होता है। और जब भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट के केस में, अगले 4 मिनट के अंदर अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो कुछ भी कर लें, कहीं भी ले जाए, वो दोबारा रिवाइव हो ही नहीं सकता। लेकिन दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हॉस्पिटल आप 4 मिनट में ले जाएंगे, और अगर ले भी जाएंगे तो वहाँ पे प्रोसेस ही इतना लंबा है, और अगर वो प्रोसेस हो भी गया एक बार को, तो जो वहाँ के डॉक्टर से आर दे ट्रेंड इनफ कि वो सही चीज़ सही टाइम पे सही डोज में दे पाए, ये क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं। तो बेहतर तो ये कि ये अपने हाथ में ही ले लें, तो उसका सबसे आसान तरीका है स्टे विद अस फॉर 3 डेज, राइट? एंड जो ओवरऑल यू विल बी इन अ ड्राइविंग सीट, राइट? जिस तरह से आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने देते हैं साल में एक बार दो बार, वो नया बन के आ जाता है, फिर दोबारा एक साल बाद दोबारा सर्विसिंग कराने देते हैं या कुछ महीनों बाद, तो ये सर्विस स्टेशन मान लें। फर्क सिर्फ इतना है कि सर्विस स्टेशन वाला आपकी गाड़ी को नया तो करके दे देता है ठीक करके, लेकिन ये नहीं बताता कि ठीक किया कैसे। और आप यहाँ पे आएंगे तो ना केवल आपको ठीक करने करने की में मदद करेंगे, बल्कि आपको ये ट्रेनिंग भी देंगे व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग, ताकि अगली बार अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते आपकी हेल्थ, यू शुड बिकम योर ओन डॉक्टर, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अस और फॉर दैट मैटर ऑन एनीबडी एल्स। जी डॉक्टर, बहुत ही आपका ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने किट के लिए इस बार खुद ही इनिशिएटिव ले लिया, क्योंकि आप बता तो देते हैं और बहुत ही इजी तरीके से भी बता देते हैं बनाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग बनाते नहीं है, आलस करते रहते हैं उस। यस 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 तो तो ये एक ऐसा है कि चीजें इकट्ठा करना, हम जब भी खुद के लिए भी बनाते हैं, हॉस्पिटल के लिए बनाते हैं, तो हमने देखा कि इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम, एफर्ट, और कोई एक टीम की जरूरत पड़ती है। तो छोटी छोटी चीजें भी इकट्ठा करना, एक जगह लाना, स्टैंडर्डाइज करना, उसको आसान करना, और कोई लोग घर पे करेंगे तो उनको ज्यादा महंगा पड़ेगा, हम अगर थोक में लेते हैं बहुत सारा तो हमें सस्ता पड़ता है। तो दैट वे ना तो आप पैसे बचा पाए, ना ही टाइम बचा पाए, और ऊपर से आपने ठीक से किया भी नहीं और पोस्टपोन होता चला गया। हमने सोचा कि एक मौका हम दें कि हम खुद ही करके दें ताकि ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए। लेकिन एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट ये भी है कि मैं अकेले हजारों लाखों पेशेंट को नहीं देख सकता, इसीलिए साथ में ये है कि जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग है 0 वोल्ट थेरेपी का, जो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शुरू होने वाला है, ये ट्रेनिंग भी इसीलिए है ताकि आप सब भी इंडिपेंडेंटली लोगों को ठीक करते रहें और ये कारवां चलता रहे। जी तो आपकी जैसी टी शर्ट पे लिखा और इतनी चर्चा हुई है क्योर एट द रेट 72 आवर्स, तो कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो 72 आवर्स में कंप्लीटली क्योर हो जाएंगे, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें और भी समय लग सकता है, और किन पेशेंट्स को वहां आना आप सजेस्ट करेंगे आने के लिए? देखिए, क्योर इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर मैं बोलूं कि पूरी तरह क्योर हो जाएंगे तो वो गलत होगा, या क्योंकि क्योर एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है, स्थिर चीज़ नहीं है, वो लगातार है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, वो इस पल हूँ, बट नेक्स्ट सेकेंड मुझे क्या होगा आई डो नॉट नो। फ्लू होगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, इट ऑल डिपेंड्स, इट इज एवर चेंजिंग, राइट? डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंस, क्या है, मैंने क्या खा लिया, क्या पी लिया, मेरी सोच कैसी है, राइट? तो बहुत सारे फैक्टर्स पे है। बट ये कि जिनको 3 दिन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा वो कौन लोग हैं, जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 के बच्चे, थैलेसीमिया के बच्चे, या फिर डायबिटीज़ टाइप 2, इंसुलिन डिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट लोग, वो लोग जो बीपी की दवाई लेते हैं, बीपी कंट्रोल नहीं होता, हार्ट के पेशेंट्स, या फिर थायराइड के पेशेंट्स, या फिर जो मोटे हैं पतले नहीं हो पा रहे, ऐसे लोग।
तो इनको बहुत फायदा होगा। जो सीकेडी पेशेंट है पर इनिशियल स्टेज पे भी डायलिसिस शुरू नहीं हुई, उनको फायदा होगा। एक तो जिनके बॉडी में स्टोन है, पेन होता है और सर्जरी नहीं कराया, उनको फायदा होगा। किनको फायदा 3 दिन में नहीं होगा, जो जो एक्सट्रीम पेशेंट्स हैं जिनको हम अपने हॉस्पिटल में 10 से 15 दिन रखते हैं तभी कुछ फायदा दे पाते हैं, वो है वो लोग जो ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, वो इस प्रोग्राम में ना आए, वो हमारे जो रेगुलर हॉस्पिटल में, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में 10 दिन 15 दिन के लिए रुकते हैं उसी में जाएं वो। राइट, 3 दिन में आपको खास हम लाभ नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए आपको हम 10 दिन के लिए रोकते हैं। तो डायलिसिस के पेशेंट हैं ऐसे पेशेंट जिनको फिस्टूला लगा हुआ है, या फिर कैथेटर लगा हुआ है ऐसे पेशेंट्स, स्टूल बैग लगा हुआ है ऐसे पेशेंट्स, राइट, या फिर ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन है ऐसे, या कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन के सिलेंडर पे ही जीते हैं ऐसे पेशेंट्स, तो उनको, ऐसे पेशेंट्स को हम अपने हॉस्पिटल में लेते हैं बट दे स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट, उनका वो इंटेंस उनकी केयर होती है, वो लंबे समय के लिए रुकते हैं, कम से कम 10 दिन से 15 दिन के बीच में वो रुकते हैं, तभी जाके उनको उनको स्टेबलाइज कर पाते हैं। तो जो ऑलरेडी स्टेबल पेशेंट है, जो अपना सारा काम अपने हाथ से कर सकते हैं, जो खुद अपने पैर पे चल के आ सकते हैं, और जो किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की, दवाई और इंसुलिन के अलावा कोई और एक्सटर्नल सपोर्ट, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा कोई और एक्सटर्नल सपोर्ट, डायलिसिस या इस तरह के सपोर्ट में नहीं है, तो उनको फायदा होगा। एक सिंपल आइडिया यह है कि bishroop.com/72hrs72hours, इसमें जाके आप अपना पेशेंट फॉर्म भर दें, और उस पेशेंट फॉर्म को भरने के बाद हमें पता चल जाएगा आपकी हिस्ट्री देख के, आपकी करंट सिचुएशन देख के, क्या आप सूटेबल हैं हमारे 72 आवर प्रोग्राम में, और अगर सूटेबल है तो क्या हमारे पास अभी सीट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको इन्विटेशन देंगे एंड देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह दिस इज द ओवरव्यू कि किसे फायदा होगा, किसे फायदा नहीं होगा, या कि कौन सूटेबल है कौन सूटेबल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, तो अब मुझे लगता है कि इसके रिगार्डिंग सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से फिर पूछ लेंगे। और एक यहाँ पे आप आखिरी में कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए तो आप दे सकते हैं प्लीज। मैसेज बहुत बड़ा क्लियर है, दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदायी बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं सुबह से शाम तक, कोलेस्ट्रॉल की गोली, डायबिटीज की गोली और थायराइड की गोली, और धीरे धीरे दवाइयां बढ़ती भी जा रही हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ द बॉइलिंग फ्रॉक सिंड्रोम। बॉइलिंग फ्रॉक सिंड्रोम से हम ग्रस्त हैं। बॉइलिंग फ्रॉक सिंड्रोम क्या है? एक पतीला कंटेनर में अगर पानी भरा हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक मेंढक को यानी कि एक फ्रॉक को रख देते हैं तो उसमें बैठा रह जाता है, और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं हर आधे घंटे में 1 डिग्री, और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ते 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 बॉइलिंग टेम्परेचर के आसपास भी पहुंच जाता है, तब भी खतरे का एहसास उस मेंढक को नहीं होता, हालांकि उस टेम्परेचर की वजह से उसके पैर भी गलने लगते हैं, जलने लगते हैं, कुक होने लगते हैं, और जब तक आखिरी स्टेज तक उसको एहसास होने लगता है कि भाई मैं तो जल रहा हूँ पानी गर्म में, तब तक उसके हाथ पैर के मसल्स इतने टूट चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं, कुक हो चुके होते हैं, जल चुके होते हैं, कि वो ताकत ही नहीं रहती कि उस कंटेनर से, उस पतीले से वो बाहर जंप करके निकले, यानी कि खतरा तो है लेकिन खतरे का एहसास नहीं हो पा रहा, क्योंकि खतरा भी बड़े धीरे धीरे आ रहा है। इसे बोला जाता है साइंटिफिक भाषा में बॉइलिंग फ्रॉक सिंड्रोम। हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं वो एंड स्टेज में आते हैं, हिम्स हॉस्पिटल में, मतलब ऑलरेडी डायलिसिस चल रही है, ऑलरेडी ट्रांसप्लांट की बात चल रही है, राइट, डायलिसिस कराते हुए समय हो गया, लेकिन उनकी अगर मैं मेडिकल हिस्ट्री देखता हूँ 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी, तब वो इस हालत में नहीं थे, तब सिर्फ जो दो चार गोलियां ले रहे थे डायबिटीज की, बीपी की, थायराइड की, और धीरे धीरे गोलियां बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे थोड़ा बहुत दर्द बढ़ता जा रहा था, जस्ट लाइक ए दैट फ्रॉग, राइट। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जो दवाइयां ले रहे हैं वो दवाइयां ही उनको अंदर से खोखली करती जा रही है। और अभी मौका है, आपको मेरा मैसेज है कि आप उस फ्रॉग की तरह बैठे मत रहिए, खतरे को बढ़ते हुए देखते मत जाइए, क्योंकि होता यह है कि जब भी किडनी फेल होता है तो पूरा परिवार फेल हो जाता है। याद रखिए किडनी पेशेंट हफ्ते में 3 बार तो डायलिसिस करने आता है जाता है, तो पूरा पूरा 3 दिन उनका खराब होता है, वो उनकी जॉब वगैरह तो छूट ही जाती है, और उसका अगला दिन भी खराब होता है क्योंकि वो सुस्त रहते हैं, तो यानी कि पूरा हफ्ता गया, और एक आदमी को लेके जाना है, लेके आना है, यानी कि उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो जॉब के लायक नहीं रह गया, 2 लोगों की जॉब छूट गई। लेकिन इसमें खर्चा जरूर है, 50,000 रुपये पर मंथ, यानी कि जो भी कुछ आपने या आपके पूरे परिवार ने कमाया वो सारा कुछ आपने आखिर में लुटा दिया, यानी कि आपके जीवन का जो आखिरी 10 साल है, 5 साल है, 7 साल है, वो जिंदगी के सबसे बुरे दिन, ना केवल आपके लिए, आपकी वजह से, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके आसपास के लिए, आपके सबके लिए। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल तो आप ही हैं, बिकॉज आप ही ग्रस्त हैं द बॉइलिंग फ्रॉक सिंड्रोम से।
तो अब पॉसिबल है कि आप उससे बाहर निकलें। ये जो जाल है चक्रव्यूह है दवाइयों का, इसमें आप फंसते चले जा रहे हैं, इससे बाहर निकलें। बाहर निकलने का रास्ता क्या है वो इस वीडियो में मैंने बता दिया है। अब सिर्फ आपको अपनी आंखें खोलना है, थोड़ी ताकत लगानी है और मेंढक की तरह ना बैठ के एक जंप लगाना है, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। तो यही मेरा मैसेज है कि आप सोचना शुरू कर दीजिए और देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन कम आउट ऑफ इट। और पॉसिबिलिटी के लिए वो नॉलेज आप गैदर कीजिए, चाहे इस चैनल में वीडियोस हैं उसको देख के, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग उसको ज्वाइन करके, चाहे हमारा जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करके, बट डू समथिंग। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे से सारी बातें समझा दी हैं, तो मैं यही सभी को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचा दें जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप जानते हैं कि नहीं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत, आपने मुझे ये मौका दिया इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के लिए हमारे चैनल के माध्यम से, शुक्रिया थैंक यू। डॉक्टर।